क्या तुम पुलिस अफसर हो? मैं ही हूँ जो इस सेंसिटिव केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। चंद्रू मोहतात रहो, मुलजिम कभी भी हमला कर सकता है। आपको क्या लगता है नेशनल एजेंसी सिक्योरिटी के सर्वेलेंस से ज्यादा उस टेररिस्ट के पास पावर है? मैं उसका एक दूसरे को बहुत जल्द पकड़ लूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन अवर चैनल। सोचनो से कैसे हैं आप सभी दोस्त? दोस्तों अगर आपने विशाल की एक्शन मूवी और द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु मूवी को देखा था तो आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही साइबर क्राइम से भरी हुई और दोस्तों हैकिंग बेस्ड मूवी आ रही है, उसका नाम है दोस्तों चक्रा। क्या ये फिल्म दोस्तों हिंदी में भी आएगी, ये आपके क्वेश्चन है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और आएगी तो कब आएगी, कहाँ आएगी, नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, और ये फिल्म अब कब रिलीज़ होने वाली है, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। इसी और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कर लें अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ज़रूरी प्रेस कर देना। और अगर आप दोस्तों विशाल के डाई हार्ड फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूरी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू लाइक का बटन दबा करके। दोस्तों चक्रा एक अपकमिंग एक्शन साइबर क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जो कि अब दोस्तों 2021 में देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चक्रा जिस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको विशाल, श्रद्धा श्रीनाथ और राजीना कैसेंड्रिया और भी काफ़ी ज़्यादा अदर एक्टर्स हैं इस फिल्म में, जो कि इस फिल्म की तो शान है दोस्तों। खासकर दोस्तों विशाल, जो कि दोस्तों क्या ही बात करें दोस्तों, इस फिल्म में विशाल ने एक मिलिट्री ऑफिसर का रोल किया है। और दोस्तों हैकर कितने शातिर होते हैं और आपके साथ हैकर क्या क्या कर सकते हैं इस फिल्म में ऐसे ही देखने के लिए मिला है। और दोस्तों जो कि इस फिल्म के हीरो हैं विशाल, वो कैसे इस हैकर को पकड़ते हैं, और जो कि एक चोरी होती है उस चोरी को भी इस फिल्म में दिखाया गया है कि चोर को कैसे पकड़ते हैं, चोर कैसे चोरी करके जाता है, ये तो दोस्तों आपको फिल्म के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। जो कि फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों ये फिल्म पहले रिलीज़ होने वाली थी 2020 में, जहाँ सो 2020 नवंबर में ये फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था, लेकिन दोस्तों आपने देखा कोविड-19 की वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अब नवंबर आने ही वाला है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज़ डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये फिल्म आपको दोस्तों दिसंबर या जनवरी में देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म के ज़्यादा चांसेस 2021 की शुरुआत में रिलीज़ होने के हैं। और दोस्तों ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही देखने के लिए मिलेगी, OTT प्लेटफॉर्म पर इसको फिल्म को नहीं रिलीज़ करवाया जाएगा। और दोस्तों ये फिल्म के हिंदी वर्जन की बात की जाए तो अभी तक इस फिल्म की हिंदी डब से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही इस फिल्म की हिंदी डबिंग को करवाया गया है। और दोस्तों इस फिल्म के सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वर्जन को रिलीज़ करवाया जाएगा, जो कि तमिल और तेलुगु वर्जन को रिलीज़ करवाया जाएगा, लेकिन हिंदी वर्जन को दोस्तों नहीं रिलीज़ करवाया जाने वाला है, ना ही इस फिल्म की डबिंग हुई है। हिंदी वर्जन के लिए हमें काफ़ी ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इस फिल्म की रिलीज़ के बाद। दोस्तों आपको क्या लगता है इस फिल्म को तमिल और तेलुगु वर्जन के साथ हिंदी में भी रिलीज़ करवाया जाना चाहिए था या फिर नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूरी बताना है। और आप इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को थिएटर में देखने जाओगे या फिर नहीं, ये भी ज़रूरी बताना। तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों फैनी थैंक्स, तगड़ी रहो, टेक केयर।